बस बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज मेरठ संयुक्त व्यापार मंडल का महानगर व्यापारी सम्मेलन आपार चेंबर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा रहे। सम्मेलन में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चिंतन किया गया। त्योहारों के दौरान भी मेरठ नगर निगम के द्वारा शहर में बाजारों में सफाई ना करना भी बड़ा मुद्दा बन गया है। पंडित आशु शर्मा ने कहा कि मेरठ नगर निगम दिवाली से पहले मेरठ शहर के सभी बाजारों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाए, नहीं तो संगठन नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आज हमारी मीटिंग हुई है मेरठ नगर निगम ने, जो पिछले लगभग 15 दिनों से त्योहारों के सीजन में भी शहर के मुख्य बाजारों में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं कराई है। और अभी हम लोग नगर आयुक्त से मुलाकात भी करके आए थे पिछले एक सप्ताह पहले, उस दौरान भी हमने चेतावनी दी थी कि अगर 15 दिन के अंदर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं कराई तो हम लोग आंदोलन करने पर विवश होंगे। आज इसी रणनीति को बनाने के लिए अपार चैम्बर में हमने बैठक की है और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने मेरठ शहर विधानसभा की भी घोषणा करी, जिसके अंदर 31 सदस्यों की मेरठ शहर विधानसभा की कमेटी की घोषणा की गई। शहर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हाजी सादिक को जिम्मेदारी दी गई है और शहर विधानसभा के प्रभारी संजय शर्मा और मंसूर इस्लाम को बनाया गया है। और 31 लोगों की जो कार्यकारिणी है उसमें मेरठ शहर के विभिन्न बाजारों के प्रमुख जो व्यापारी हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। हमारा भी पूरा जो प्रयास है वो ये है कि मेरठ शहर विधानसभा में आने वाले समय में 1 तारीख के बाद जो सदस्यता अभियान हम लोग चलाएंगे तो 5,000 की संख्या का लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं कि हर विधानसभा में मेरठ महानगर में 5,000 सदस्य हर विधानसभा के अंदर हम लोग बनाएं। मेरा नाम हाजी शारिक है, शहर का अध्यक्ष बनाया गया हूँ आज। और पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा जी के आदेश अनुसार, क्योंकि शहर विधानसभा की अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मेरा सिर्फ मिशन होगा अपनी विधानसभा को अपने संगठन के और व्यापारियों के जोड़ते हुए अपना विस्तार करने का काम करूंगा और बड़ी निष्ठा और मजबूती से ईमानदारी के साथ अपने व्यापार मंडल के सभी सम्मानित साथियों को जोड़ने का काम करूंगा और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल इतना मजबूत है, अगर किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी समस्या होती है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और हम उसकी लड़ाई को लड़के उसे इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। संगठन के सभी पदाधिकारियों की सहमति से मेरठ शहर विधानसभा कमेटी में घोषणा की गई, जिसमें शहर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हाजी सारी को इस पद पर नियुक्त किया गया। शहर विधानसभा प्रभारी संजय शर्मा व मंसूर उर्फ इस्लाम को बनाया गया। शहर महामंत्री लोकेश चंद्र को मनोनीत किया। इसके अतिरिक्त शहर विधानसभा के विभिन्न बाजारों से 31 पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र देकर शपथ ग्रहण कराया। प्रदेश अध्यक्ष आशीष शर्मा ने समस्त नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और शहर के व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का निर्देश दिया। पंडित आशु शर्मा ने मेरठ महानगर के सभी विधानसभा अध्यक्षों को अपनी अपनी विधानसभा के बाजारों में सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रत्येक विधानसभा में 5,000 व्यापारियों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 नवंबर से संगठन का सदस्य अभियान मेरठ महानगर के सभी बाजारों में शुरू किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से सरदार मनजीत सिंह कोछड़, सुमेर सिंह धार, तुषार चौधरी, पीयूष वरिष्ठ, विजय राठी, क्रांति प्रसाद, नीरज कौशिक, अनस सिद्दीकी एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।